नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल, आप देख रहे हैं हेल्थ चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे, या फिर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि मेडिकल स्टोर वाले या फिर केमिस्ट जिसे हम कहते हैं वो अक्सर लूटते हैं आम पब्लिक को, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं भी ऐसा मानता हूँ कि वो भी सही है, मतलब कि वो सब लूटते हैं पब्लिक को। अब दोस्तों क्यों लूटते हैं इसके पीछे अगर चर्चा करें दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में आपसे मैं एक वीडियो में बात करने वाला हूँ। अक्सर वो लूटते क्यों, आखिर कौन से ऐसे कारण होते हैं कि वो उसको लूटना पड़ता है पब्लिक को, वो भी एक इंसान है लेकिन फिर भी मजबूर हो जाते हैं लूटने पर। तो चलिए इसके बारे में पूरी आज की इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे। इसके डिटेल में थोड़ी वीडियो लंबी होगी दोस्तों, तो पूरी एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले। और दोस्तों सबसे पहले बात करूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर जब हम स्टार्ट करते हैं यानी कि जो भी शुरुआत करते हैं तो कौन कौन सी जरूरी जरूरियात होती है उसके अंदर, उसके बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, एक मैंडेटरी जो होता है कि 120 फीट की जगह चाहिए, और बाज़ार के अंदर वो अगर खुद की भी हो तो भी चलती है या फिर किराए की हो तो भी चलती है। और दोस्तों देखा है कि मेडिकल स्टोर बाज़ार में दो प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे एक मेडिकल स्टोर जो होता है बाज़ार के बीचों बीच जो डॉक्टर के कनेक्ट में नहीं होता है, ऐसे ही बाज़ार में होता है। और दूसरा जो होता है डॉक्टर के कनेक्ट में, यानी कि जो भी बड़ी अस्पताल होती है या फिर खुद का डॉक्टर का क्लिनिक होता है तो उसके पास में ही मेडिकल स्टोर होता है या फिर हॉस्पिटल के अंदर भी होता है। इस प्रकार से दो प्रकार के आपने स्टोर देखे होंगे। अब दोस्तों जो स्टोर शुरू करने में जो भी ज़रूरत होती है वो दोनों की सेम ही होती है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि 120 फीट की जगह होती है और साथ में डॉक्टर एक फार्मासिस्ट चाहिए, या खुद ही फार्मासिस्ट उसका मालिक हो, या फिर फार्मासिस्ट एक उसको चलाने के लिए उसका लाइसेंस चाहिए, यानी कि खुद भी वो बैठना चाहिए, वो ऑपरेट करना हो करने को होता है उसको। इस प्रकार से उसका एक लीगली प्रोसेस होती है। तो इस प्रकार से मेडिकल स्टोर का कुछ होता है जरूरियात, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो अगर आप चाहते हैं कॉमेंट में लिखिए कि मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंडेटरी जो भी लीगली प्रोसेस होती है तो शुरुआत करते हैं, तो इसके अंदर अब दोनों की सेम होती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जो मेडिकल स्टोर वाले जो लूटते क्यों हैं। तो दोस्तों इसके अंदर देखें तो सबसे पहले, यानी कि वो तो बाद में लूटते हैं लेकिन सबसे पहले मेडिकल स्टोर शुरू करने वाला जो आदमी होता है, केमिस्ट हो फार्मासिस्ट हो, सबसे पहले वो खुद लूटता है। तभी लूटता है इसलिए वो इंसान को लूटता है, यही एक इसके अंदर एक स्ट्रेटेजी है, जो भी आप समझ लीजिए यही शुरुआत वहाँ से खुद वो लूटता है। दोस्तों कैसे लूटता है चलिए इसके बारे में बात करते हैं। वो खुद लूटता है इसलिए आगे जाकर वो पब्लिक को लूटना शुरू करता है। तो सबसे पहले वो खुद कैसे लूटता है इसकी अगर बात करें तो डिटेल में, तो सबसे पहले मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए जो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है DI के पास, ड्रग इंस्पेक्टर के पास। तो दोस्तों मैंने देखा है अक्सर के पूरे देश में एक ऐसे बहुत कम ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं जो बिना घुस लिए ही मेडिकल स्टोर शुरू करने देते हैं, यानी कि उसका प्राइस फिक्स ही होता है, 15 से 20 हज़ार तक आज तक घुस लेते हैं मैंने देखा है। और ऐसे आपको 100 में से शायद 10 ऐसे DI मिल जाए, ड्रग इंस्पेक्टर मिलेंगे, जो शायद घुस न लेते होंगे, बाकी 90% तो 100% लेते ही है। चाहे वो आप जेनरिक स्टोर खोले या प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर खोले या फिर आम स्टोर खोले, उसका तो ये फिक्स ही होता है लेने का। बस वो भी वही सोचते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के, आप भी आगे जाकर पब्लिक को लूटने वाले हैं तो पहले मुझे दे दीजिए पैसे। तो इस प्रकार से घुस के बगैर काम ही नहीं होता, ये कड़वा सत्य है, कोई बोलता नहीं है लेकिन ये सत्य है। तो इस प्रकार से पहले वो ड्रग इंस्पेक्टर उसको लूटता है, 15-20 हज़ार या फिर 25 हज़ार तक भी ले लेता है। तो उसके बाद में शुरुआत करें तो डॉक्टर, अगर वो मेडिकल स्टोर बाज़ार में बीचों बीच है तो उसको खर्च कैसे कौन कौन से लगते हैं, तो इसकी बात करें तो दोस्तों अगर वो केमिस्ट है खुद, यानी कि अगर वो ऐसे उसको एक्सपीरियंस हो और मेडिकल स्टोर शुरू कर रहा है तो उसको फार्मासिस्ट रखना पड़ेगा। फार्मासिस्ट का आप सैलरी देख लीजिए तो 10 से 15 हज़ार तक आजकल मार्केट में चल रहा है। उसके बाद में दोस्तों उसको किराया देना पड़ेगा, खुद की दुकान नहीं है तो किराया भी आजकल 10 से 15 हज़ार तक दुकान का किराया होता है बाज़ार की अगर बीच में लेना चाहते हैं तो। उसके बाद में एक आदमी को भी रखना पड़ेगा ऑपरेट करने के लिए, तो उसका भी 5-7 हज़ार पगार होता है। उसके बाद में एक्सपेंस दूसरे देखे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर दूसरे भी एक्सपेंस देखे तो 2 हज़ार जितने हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखे तो दोस्तों आपको उसके अंदर टोटल खर्च 30 से 35 हज़ार उसको मिनिमम खर्च हो जाता है, जो उसके अंदर मुनाफा तो एक्स्ट्रा होता है लेकिन ये परमानेंट खर्च होता है जो हर महीने उसको होता है। अब सोचिए दोस्तों अगर वो ऐसी जेनरिक दवाइयाँ नहीं बेचेगा जो ऊंची प्रिंट वाली होती है, जो ज़्यादा प्रिंट होती है, अगर वह जेनरिक वो दवाइयाँ अगर जो प्रिंट 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 नहीं बेचेगा तो उसको अगर स्टैंडर्ड दवाइयाँ मिलेगा जिसके अंदर मुनाफा की अगर बात करें तो सिर्फ 15 से 20% उसके अंदर मुनाफा होता है। अगर वही उसको दवाई अगर बेचता है तो पूरे दिन तक अगर 10 हज़ार का भी वो काउंटर करता है तो भी उसको देखे तो सिर्फ उसे 2 से 3 हज़ार ही मुनाफा मिलता है। तो यूँ देखे तो उसको कुछ ऑल ओवर देखे तो महीने के एंड में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बाजार के ज़्यादातर मेडिकल स्टोर पर इसी जेनरिक दवाइयाँ जो ऊंची कीमत वाली होती है या फिर ऐसी कॉमन मेडिसिन होती है
ऐसी बहुत सी बाज़ार में चलती है जिसकी प्रिंट देखें तो काफ़ी ऊंची होती है, जो मैंने अगली वीडियो में बताया। इस प्रकार से कैडिला हो या फिर किसी भी कंपनी की जेनरिक दवाइयाँ होती है जिसकी MRP देखें तो स्टैंडर्ड की जैसी होती है, लेकिन उसका जो PTR होता है, जो होलसेल रेट होता है, उसका परचेस का खर्च करने परचेस रेट काफ़ी कम होता है। तो इस प्रकार की दवाइयाँ वो बेचकर भी उसका जो मुनाफा निकालते हैं, उसी प्रकार से अगर मेडिकल उसका चल सकता है, अगर वो स्टैंडर्ड दवाइयाँ बेचे या फिर अगर जन औषधि स्टोर खोल के अगर जेनरिक दवाइयाँ बेचे, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने देखा है प्रधानमंत्री जन औषधि या जन औषधि स्टोर पर भी मार्जिन होता है जो 20% देते हैं, इसके बाद में कुछ 10% इंसेंटिव भी मिलता है, लेकिन बाद में मिलता है, लेकिन शुरुआत में 20% स्टैंडर्ड जितना ही उसको मार्जिन होता है दोस्तों। इस प्रकार से अगर वो ईमानदारी से अगर ये काम करता है तो मेडिकल स्टोर चला ही नहीं सकता है बाज़ार के अंदर, ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। इसीलिए अक्सर ये जेनरिक जो एक्स्ट्रा बीच वाली जो मेडिसिंस होती है, जो जेनरिक भी नहीं है और इथिकल भी नहीं है, तो इस प्रकार के जो स्टैंडर्ड कंपनी की जो जेनरिक डिवीज़न में आती है, तो वो दवाइयाँ बेच कर ही उसको मतलब मेंटेन कर सकता है स्टोर को, बाकी सके नहीं, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। अगर वो अगर इस प्रकार की स्टैंडर्ड दवाइयाँ बेचेगा या फिर जेनरिक बेचेगा तो एक दो महीने में के अंदर उसको नुकसान होगा और ये बंद कर देगा। और ऐसे देश में भी बहुत से ऐसे जेनरिक स्टोर यानी कि जन औषधि स्टोर खोलकर बंद भी हो चुके हैं, क्योंकि उसको उसके अंदर मार्जिन भी कुछ बहुत कम मिलता है और उतने पेशेंट भी नहीं आते, तो इस प्रकार से काफ़ी जन औषधि स्टोर बंद भी हो चुके हैं देश में। तो एक मैंने बात की बाज़ार की स्टोर की, अब बात करते हैं जो डॉक्टर के कंसर्न में जो डॉक्टर के अंडर में जो स्टोर खुलते हैं तो इसको कैसे खुलते हैं। तो दोस्तों मैंने देखा है कि जैसे कि जैसा डॉक्टर होता है उस प्रकार से उसका भाव होता है। पहले तो ड्रग इंस्पेक्टर उसको लूटता है जो मेडिकल अप्रूवल करने के लिए, उसके बाद में डॉक्टर की अगर बात करें तो डॉक्टर को अगर उसका खुद का प्रीमाइसिस है उसके अंदर एक मेडिकल स्टोर के लिए एक रूम उसको दे देगा और उसका भाव फिक्स ही होता है। जैसे डॉक्टर की डिग्री होती है, जैसे गायनेक ऑर्थोपेडिक उसका भाव देखा है तो 50 से 60 लाख तक रुपए वो मेडिकल स्टोर वाले के पास लेते हैं। खुद अगर ऑपरेट नहीं करता है तो किसी भी पार्टी को दे देता है और उसके पास से वो डॉक्टर उसको लूटता है। सिर्फ 70 से 50 से 60 लाख तक मैंने देखा है मार्केट में आज का भाव चल रहा है, वो डिपॉजिट के रूप में ले लेता है और वो भी कह देगा कि 5 साल तक ये डिपॉजिट मेरे पास रहेगी और तुम मेडिकल स्टोर ऑपरेट करो। अब आप सोचिए, ड्रग इंस्पेक्टर लूटता है, फिर ये डॉक्टर भी उसके पास में लूटता है, तो इस प्रकार से 60-70 लाख रुपये खर्च करने के बाद उसके बाद में उसकी गारंटी नहीं है कि डॉक्टर किस प्रकार की दवाई लिखता है। डॉक्टर को अगर कोई MR यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर आके कहता है कि ये कंपनी की दवाई लिखी है सर, तो हम आपको 20% इसके अंदर डिस्काउंट आपको देंगे, डायरेक्ट आपके कैश फॉर्म में या फिर गिफ्ट फॉर्म में या फिर किसी भी टूर फॉर्म में किसी भी फॉर्म में वो दे सकते हैं। अब दोस्तों सोचिए, इस प्रकार से अगर डॉक्टर अगर वो कंपनी लिखना शुरू कर देगा तो मेडिकल स्टोर वाले को वही दवाई लिखने और देनी पड़ेगी, तो उसके अंदर मार्जिन उसका भी 20 से 30% मिलेगा, तो उसके अंदर भी उसको मुनाफा नहीं होगा, यानी कि 60-70 लाख उसने खर्च किया है। तो वो इस प्रकार से देखा है हमने भी बाज़ार में कि जो एक IV सेट होता है एग्जांपल के रूप में देखे तो IV सेट दोस्तों अच्छे से अच्छा कंपनी का आपको बाज़ार से 15 से 20 रुपये में उसके अंदर होलसेलर उसका रेट होता है, लेकिन उसके अंदर जब हम जाते हैं अस्पताल में एडमिट होते हैं तो IV सेट अगर लेते हैं उसके पास से तो मेडिकल स्टोर के तो 45 से 60 रुपये तो उसके MRP होते हैं, वही MRP हमको देनी पड़ती है। उसके साथ में जो सुई लगती है इंट्राकेज जिसे कहते हैं, वो भी उसका 20 से 25 रुपये का PTR होता है होलसेल रेट, और उसके पास 80-80 रुपये में हमको देना पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर कोई पेशेंट इंडोर होता है तो समझ लीजिए उसके पास से एक ही पेशेंट में उसका 500 से 700 रुपये का मुनाफा इसी सर्जिकल आइटम में या फिर इंडोर की आइटम में जो भी बाटला हो या फिर पाइप हो उसके अंदर उसको निकल आता है। तो इस प्रकार से वो 60-70 लाख के दिया हुआ है तो उसके ऐसे कवर करता है, और उसका दिन का भी देखे तो काउंटर भी 25 से 30 हज़ार या 50 हज़ार तक भी जाता है, तो इस प्रकार से वो कमाता है। तो वो उसके अंदर आपको स्टैंडर्ड आपको देता ही नहीं, और अगर स्टैंडर्ड डॉक्टर लिखते हैं तो उसकी भी मोनोपोली होती है कि 4 अगर दवाई आपको देते हैं तो 2 स्टैंडर्ड होगी, 2 जेनरिक भी नहीं होगी और स्टैंडर्ड भी नहीं होगी, बीच वाली जो बताई उस प्रकार से ही लिख देते हैं। साथ में जो सर्जिकल आइटम है उसके अंदर भी काफ़ी मुनाफा होता है, जो काफ़ी बहुत कम कीमत में उसको मिलती है, लेकिन उसको जो बेचते हैं काफ़ी ऊँची कीमत में वो आपको देते हैं, तो इस प्रकार से भी वो कवर करते हैं अपना जो भी खर्च किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको लगता है कि ये लूटते हैं तो, लेकिन दोस्तों क्या करें, वो खुद भी मजबूर है क्योंकि उसने इतना इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आपको सेवा करेंगे जैसे कि जेनरिक स्टोर की बात है कि जन औषधि जेनरिक दवाइयाँ हैं इस प्रकार से कम कीमत में अगर आपको देते हैं तो मेडिकल स्टोर चल ही नहीं सकता, वो ऑपरेट ही नहीं कर सके, उसको बंद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों खुद लूट रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर उसको लूट रहा है, क्योंकि डॉक्टर क्यों लूट रहा है इसके बारे में दोस्तों एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज की वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले क्यों लूट रहे इसके ऊपर है, तो पूरी डिटेल मैंने आपको बताया। तो इसी ऐसे कुछ कारण होते हैं क्योंकि खुद भी लूटते हैं जो मेडिकल स्टोर वाले केमिस्ट होते हैं, खुद पहले लूटते हैं उसको भी दूसरे लूटते हैं, इसलिए यह लूटने की भावना उसके खुद लूटता है तो आपके ऊपर भी यानी कि आम आदमी पर भी वही अपनी भावना दिखाई देती है, और वो इस प्रकार से लूटता है या फिर जो भी समझ लीजिए आपके पास से वसूल करता है इस प्रकार से। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया है,
कोई भी मेडिकल स्टोर खोलना कोई आसान बात नहीं है। खोलने के बाद उसके काफ़ी खर्च होते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए इसी प्रकार की दवाइयाँ अगर ना हो मार्केट में, सिर्फ जेनरिक सिर्फ स्टैंडर्ड अगर दवाइयाँ बाज़ार में मिलती है, तो ये बाज़ार के काफ़ी मेडिकल स्टोर बंद हो जाएंगे। ये बीच वाली जो दवाइयाँ कॉमन दवाइयाँ उसके कारण ये बाज़ार के जो स्टोर होते हैं चालू रहते हैं। अगर सब सिर्फ स्टैंडर्ड ही बाज़ार में दवाइयाँ मिलती हो तो दोस्तों डॉक्टर का इतना कमीशन वो भी कम हो जाएगा, तो ये शक्य ही नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन है, आज से नहीं बरसों से चल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कुछ कमजोरी कुछ उसकी मजबूरियाँ होती है जो केमिस्ट या फिर फार्मासिस्ट की जो मेडिकल स्टोर जो ऑपरेट करते हैं, तो इन्हीं के कारणों के कारण आपसे ये काफ़ी ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो दोस्तों आप अगर ये मेरे ख्याल से अगर सहमत है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर नहीं सहमत है तो क्यों नहीं है तो इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले और इस वीडियो को देखने वाले को भी पता चले। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर, इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके और हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।